वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाने में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत प्रतिदिन कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बरेका कारखाना परिसर में जहां कर्मचारियों ने एक घंटा स्वैच्छिक श्रमदान किया, वहीं दूसरी ओर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इस अवसर पर बरेका को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि वो किसी भी रूप से प्लास्टिक का थैला लेकर थाना कारखाना परिसर में ना आए और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। इसके साथ ही स्वच्छता पर आधारित पैम्फलेट का भी वितरण किया गया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विजय ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी कर्मचारी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और स्वच्छता के प्रति अपने परिवार और आसपास के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़ा बनारस रेल इंजन कारखाना में 16 सितंबर से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी के क्रम में व्यक्तिगत एवं सामूहिक तौर पर सारे कर्मचारी बनारस रेल इंजन कारखाना के अपना श्रमदान कर रहे हैं और एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, न केवल अपने परिवार वालों को अपितु आसपास के सभी लोगों को। इसी कड़ी में हम लोग प्लास्टिक मुक्त बरेका परिसर को करने की कोशिश और लोगों को जागरूक कर रहे हैं।